हाँ जी, हमारे स्कूल में एनएस वगैरह और ज्योग्राफी के टीचर्स, मैकेनिकल टीचर वगैरह सब होने चाहिए, जिससे हमें पढ़ाते हैं ना इंग्लिश, मतलब जैसे हमें साइंस वगैरह पढ़ाते हैं तो हमें सिर्फ समझाते हैं, मतलब ब्लैक बोर्ड पर हमें कुछ दिखाते नहीं, तो हमें दिखाना भी चाहिए ना, तभी तो हमें समझ में आएगा कि ये चीज़ ऐसी होती है, तभी हमारे माइंड में थोड़ा बहुत बैठ जा रहा है, मतलब तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब और काफ़ी प्ले मतलब खेलने के लिए लड़कियों के खेलने के लिए भी काफ़ी सामान आने चाहिए, क्रिकेट वगैरह तो लड़की खेलेंगे, बट लड़कियों के लिए फुटबॉल बैडमिंटन वगैरह काफ़ी सामान आना चाहिए लड़कियों के लिए। क्या आप लड़कियों को यहाँ पर सुविधा नहीं मिलती? मतलब सुविधाएँ तो मिलती हैं पर कम मिलती है, लड़कों से तो कम ही मिलती है, पर लड़कों को ज़्यादा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपके स्कूल में लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स, बाथरूम वगैरह सब होने चाहिए? हाँ, वो तो है, पर उनकी स्थिति ठीक है? मतलब सही नहीं है उनकी, मतलब थोड़े बहुत और बनवा देते, मतलब उन्हें रिपेयर वगैरह कर देते तो ज़्यादा ठीक रहता। ठीक है, और आप में से कोई कुछ नई शिक्षा नीति पर बोलना चाहेगा? अंकित, आपको क्या चाहिए नई शिक्षा नीति को लेकर? स्कूलों में क्या होना चाहिए, कुछ चाहिए? नहीं, सब ठीक चल रहा है? हाँ, नो तो आप बोलो, क्या ठीक नहीं चल रहा, जो नहीं चल रहा वो बोलो। शाबाश सर, हमारे स्कूल में जो सर पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कोई घंटी खाली जा रही, कोई सही जा रही, लेकिन जो कंप्यूटर क्लास है वो कभी लगती नहीं, लाइब्रेरी है वो भी कभी नहीं लगती, वो तो ऐसी देर की दोनों घंटी खाली जाती हैं। हम सबको बोलते हैं कि सर हमें कंप्यूटर, सर बोलते हैं कंप्यूटर खराब है, और लड़कों के लिए टॉयलेट है वो तो बहुत ही बेकार है, अंदर से सारे टूट रखे हैं, टॉयलेट करने बाहर जाते हैं, कल बात करने बाहर जाते हैं, उनकी खेलने के लिए कुछ नहीं है। तो आपको क्या स्कूलों में ये सब सुविधाएं नहीं मिल रही, तो आप कुछ कहना चाहोगे कहाँ से मिलेंगी, कौन देगा? सब लोग प्रिंसिपल को बोल नहीं सकता, इसके लिए हम सारों को मिलकर बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, तब ये सारा कुछ सही हो सकता है। और आपके घरों में स्थिति कैसी है, ठीक है घरों में? हाँ, स्थिति सही है। अच्छा, घरों में सब सुविधाएँ हैं, स्कूल में नहीं है? अच्छा, आपके गांव में घरों में गरीबी को लेके कितना मुश्किल है पढ़ाई लिखाई को करना? गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते, तो खाना खाने के लिए बच्चों भी काम कर रहे हैं, उनके माता पिता भी काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते, और उनके लिए सुविधाएँ बनाई जाए गरीबों, ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें, इससे वो शिक्षा ग्रहण से हमारा देश आगे बढ़े, और हमारे देश 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 आगे बढ़े, अच्छा देश बने। थैंक यू बेटा। ये अभिषेक भारद्वाज हमारे स्कूल से कक्षा 10 का विद्यार्थी है, और जो हमारी शिक्षा नीति में क्या क्या होना चाहिए उस पर बात करेगा। ये बच्चे उन घरों से हैं जहां पर कोई भी भौतिक रूप से मौलिक सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, और ये बहुत ही गरीब परिवारों के बच्चे हैं, और जो सरकारी स्कूलों में आने पर किसी भी प्रकार की सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। आओ सुनते हैं अभिषेक से। मैं राजकीय इंटर कॉलेज शर्मा का छात्र हूँ। मैं अपने स्कूल में स्मार्ट क्लासेस चाहता हूँ, और शिक्षा से संबंधित सभी पुस्तकें, लाइब्रेरी, लैब, ग्राउंड, किताबों को लेके आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी किताबें ठीक हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत या पढ़ाने वालों से कोई दिक्कत? हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में अच्छी इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम हो, और चलो इसी क्रम में प्रियंका भारद्वाज भी अपनी बातों को हमारे साथ साझा कर सकती हैं। हमारे स्कूल में डेस्क अच्छे होने चाहिए। और क्या क्या अच्छा होना चाहिए? हमारे स्कूल में इंग्लिश अच्छी पढ़ाई जानी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? इससे हमारी इंग्लिश अच्छी होगी। अच्छा, और बाकी विषयों को लेकर विज्ञान, गणित, इनकी पढ़ाई ठीक होती है? और टेक्नोलॉजी को लेके आपके यहाँ पर कंप्यूटर लैब है? कंप्यूटर नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ठीक नहीं है या है ही नहीं कंप्यूटर? कंप्यूटर ठीक नहीं है। अच्छा, कंप्यूटर है? एक दो। अच्छा, और अभिषेक आपको क्या लगता है, कंप्यूटर की शिक्षा होनी चाहिए विषयों को पढ़ाने के लिए?
इस विषय को पढ़ाने के लिए अलग से टीचर आना चाहिए क्या? अच्छा, अभी नहीं है क्या? आपको कोई अध्यापक कभी कंप्यूटर क्लास को लेके या ई क्लास को लेके मदद करते हैं पढ़ने में? नहीं करते अभी तक आपको किसी भी प्रकार की कोई कंप्यूटर से रिलेटेड किसी ने आपको कोई लेसन वगैरह पर कोई बातचीत नहीं की? तो आपको क्या लगता है कि ये हमें मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। आज हमारे साथ राजकीय इंटर कॉलेज छरबा के अध्यापक श्री जे एस बटोया सक्सेना जी और नेगी जी और मिश्रा जी यहाँ पर नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं या किए जा सकते हैं ताकि हमारे वो बच्चे जो इन सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनका भविष्य कुछ हद तक आगे बढ़ाया जा सके। तो मैं सबसे पहले श्री बटोया जी के विचार नई शिक्षा नीति के विकास हेतु उनके सुझावों को आमंत्रित करता हूँ। मैं नई शिक्षा नीति के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो पूरे देश में एक शिक्षा नीति हो। ये जो जगह जगह CBSE, ICSE और स्टेट जो बोर्ड हैं इन सबको मर्ज करके पूरे देश में एक बोर्ड बनाया जाए। दूसरी बात, जो स्वतंत्रता, समानता, ये सब जो अधिकार हमारे संविधान में हमें मिले हैं, इसमें भी ये बदलाव वहाँ पर करना पड़ेगा कि जो बार बार सुप्रीम कोर्ट जो चले जाते हैं, ये ICSE CBSE बोर्ड के जो स्कूल हैं वो अपने अधिकारों को कहते हैं कि संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है इसलिए हम इस शिक्षा नीति पे नहीं चलेंगे या हम अलग चलेंगे, इसमें भी हमको संशोधन करना होगा। साथ ही जो राजकीय विद्यालय हैं इनको प्राइवेट से भी बेहतर बनाने के लिए भौतिक संसाधन इसमें सुलभ कराने होंगे, शिक्षकों को वो सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी जिससे वो उच्च स्तर की शिक्षा अपने राजकीय विद्यालयों में दे सकें और समय रहते प्रशिक्षण जो शिक्षकों का होता है वो समय से पूर्व हो जाए। यही सक्सेना जी, जैसा पूर्व ये ने कहा है कि एक समान शिक्षा बस सही है कि एक समान शिक्षा का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जैसा होता है कि कोई भी कंपटीशन होते हैं उसमें तब हमारे यहाँ के बच्चे जो है अक्सर मात खा जाते हैं। एक सा पैटर्न होगा तो निश्चित है कि सभी बच्चे जो है इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में फिर अपना जो है पब्लिक स्कूलों की तरह अपना पूरा जो है भागीदारी निश्चित कर सकते और अध्यापकों को भी उसी तरीके से अध्ययन कराने में आसानी होगी। मिश्रा सर, आपकी तरफ से? जैसा कि नई शिक्षा नीति 86 पहले से पूरी आ रही है, नई शिक्षा नीति आने वाली है, मेरा सुझाव यह है कि जो पाठ्यक्रम में जूनियर और सीनियर में कोई रिलेशन नहीं है, सहसंबंध नहीं है, उसको संबंधित किया जाए। जैसे पहले जो यूपी में पैटर्न था कि 6-7-8 का कोर्स 9-10 में उसको विस्तार दिया जाता था, 9-10 का फिर कोर्स 11-12 में विस्तार दिया जाता था, तो ये पाठ्यक्रम में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरी बात है क्षेत्रीयता के आधार पर वो पाठ्यक्रम में ध्यान देना चाहिए। जैसे ग्रामीण और शहरी परिवेश है तो शहर को ही दृष्टिगत करके जो नियम बनाए जाते हैं उसमें ग्रामीण परिवेश के भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो परिवेश है, वहाँ की सोचने के नज़रिया है, वहाँ की शिक्षा है उस स्तर का नहीं जिस स्तर का शहर का है। इसलिए केवल जो शहरीकरण के को ध्यान में रख करके शिक्षा नीति बनाई जा रही है, ग्रामीण परिवेश को उसमें विशेष स्थान दिया जाए, क्योंकि जैसे है कि छात्र से केंद्रीय शिक्षा हो गई है, क्योंकि गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अगर अध्यापक कैसे अनुशासन बने, इस अनुशासन को भी इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा पुलिस फोर्स नहीं आएगी। और तीसरी बात है कि शिक्षक की अस्मिता, जो शिक्षक को ट्रांसफ़र नीति है, स्थानांतरण जो कर दिया जाए चाहे जब कर दें, उसको पारदर्शी और डिजिटल बनाना चाहिए। जो भी स्थान रिक्त हैं उसको पारदर्शी तरह की स्क्रीन पाना चाहिए और सीनियरिटी बेसिस पे उसकी स्थानांतरण होना चाहिए, प्रत्येक 3 साल बाद हो लेकिन एक रोटेशन बन जाए जिससे कि शिक्षक जो है मानसिक रूप से उत्पीड़ित न हो। और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि जो शिक्षक को ही पूरा दोष दिया जाता है उसमें सभी लोगों को समान रूप से भागीदार बनाया जाए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, क्योंकि आज के ट्रेंड बन गया कि शिक्षक ही सब कुछ करेगा, जबकि शिक्षक के साथ साथ सबका सहयोग होगा तभी ये शिक्षक नीति असरदार होगी। नेगी जी, मेरा विचार है इस
सबसे पहले बच्चों के डर से भय को कैसे किया जाएगा, चाहे वो क्लासरूम का भय हो, चाहे वो अच्छे अंक प्राप्त करने का भय हो, चाहे वो उच्च शिक्षा में एडमिशन का भय हो, सब प्रकार के भय से बच्चा मुक्त होकर कभी वो विचारवान बन सकता है। और विचारशील उसको कैसे बनाया जाए, केवल सिलेबस पढ़ा के उसको विचारशील नहीं बनाया जाता। और शिक्षक के प्रति ये बोलना चाह रहा हूँ, शिक्षक परंपराओं को तोड़े, केवल उसको सिलेबस ही नहीं पढ़ाना है बल्कि बच्चे में जीवन मूल्य विकसित करने, तभी वो समाज के लिए और देश का अच्छा नागरिक बन सकता है। यही विचार है।